उड़ी, करना, टंडार, मच्छल, केरन, लोलाप, आज बिजली पार्लियामेंट सीट पर अपना किंग यहां कश्मीर में चाहे ही ना बना पाए, लेकिन किंग मेकर बीजेपी ही बनाएगी। जिसके साथ बीजेपी चलेगी वही एमपी बनेगा। कल को जब भी रिजल्ट आएंगे, जो भी विनिंग कैंडिडेट होगा, क्या हम तब ये समझेंगे कि बीजेपी ने इसे जिताया, चाहे वो किसी भी पार्टी का? नहीं, रिजल्ट से पहले ही आपका पता चल जाएगा। कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। इलेक्शंस चल रहे हैं, मुल्क भर में इलेक्शंस का बोलबाला है, जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी सरगर्मियां देखने को मिल रही है। इसी हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी। रैना साहब, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, सीधा सवाल पे आते हैं, आप कश्मीर से क्यों भागे? इलेक्शन की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। इलेक्शन कुछ जमातें सिर्फ लड़ने के नाम से मैदान में उतरती हैं, बीजेपी हमेशा जब भी मैदान में उतरती है जीतने के लिए उतरती है। रही बात कश्मीर की, 3 सीटें अनंतनाग, रजौरी, पुंछ, श्रीनगर और बारामूला की। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट का प्रेसिडेंट होने के नाते मेरी पूरी कोशिश थी और मैं पूरी तैयारी में था कि यहां से हम इलेक्शन लड़ें और जबरदस्त मुकाबला होता, यकीन अगर बीजेपी खुद लड़ती। लेकिन है क्यों नहीं बीजेपी, क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कहा इलेक्शन की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। इसमें आपने कहा कि लड़ने के लिए होती है और जीतने के लिए होती है, तो बीजेपी को ऐसा लगा कि वो कश्मीर जीतेंगे नहीं, इसलिए फील्डिंग के कैंडिडेट? देखिए, मुझे तो लगता था, मुझे बतौर पार्टी प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यूटी, मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी, हम श्रीनगर पार्लियामेंट सीट और बारामूला की जो पार्लियामेंट सीट है वहां अच्छा खासा हम मुकाबले में होते, लेकिन जीतते नहीं। और अनंतनाग रजौरी तो जीतते। अच्छा, ये दो नहीं जीते, वो जीत जाते, लेकिन यहाँ जबरदस्त हम मुकाबले में रहते और जीत भी सकते थे। ऐसा नहीं है, जिस तरीके से वादी कश्मीर के अवाम ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, जिस तरीके से हमारे कश्मीरी जो भाई बहन है, जो यहाँ गुजर बकरवाल हैं, जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, जो पसमांदा जात हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, उनके अंदर जो बीजेपी के प्रति प्यार और मोहब्बत जो है और जो बीजेपी को यहाँ से सपोर्ट मिला है, यकीनन अनंतनाग रजौरी सीट बीजेपी ने जीतनी थी और यहाँ श्रीनगर और बारामूला में भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त टक्कर में थी। फिर भी मैं कहता हूँ, जो हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, जो पार्टी के सीनियर लोग हैं, जो पार्टी का सारा हेल्म ऑफ अफेयर्स देखते हैं, उन्होंने फैसला लिया, इसमें कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए फैसला लिया होगा। बीजेपी नहीं है इसमें बेहतरी कैसे है? आप तो दावा करते हैं कि लोग आपसे प्यार करते हैं, आप दावा करते हैं कि हमने काम किए हैं, जब आपने काम किए, लोग आपको चाहते हैं, तो फिर बीजेपी का कैंडिडेट क्यों नहीं? यहां तक काम का मामला है, आज अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा हो, श्रीनगर, बड़गाम, गांदरबल हो, या बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा हो, हर जगह जो गांव गांव और शहर शहर में डेवलपमेंट हो रही है, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं, कश्मीर के अवंतीपुरा में एम्स हॉस्पिटल बन रहा है, अनंतनाग में और हंदवाड़ा, कपवाड़ा में जो मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, आज रिंग रोड्स बन रहे हैं, श्रीनगर रिंग रोड्स, कुलगाम रिंग रोड्स, आज वादी कश्मीर से रेल पूरे मुल्क को जाने को तैयार है, आज वादी कश्मीर के दूर दराज के एरिए, उड़ी, करना, टंडार, मच्छल, केरन, लोलाप जैसे दूर दराज के एरिए में, गुरेज के एरिया में आज बिजली उन पहाड़ों पर पहुंची है जहां पहले नहीं थी, ये मोदी साहब की देन है। चलिए, हम सब मानते हैं, और सबसे बड़ी बात, सवाल तो वहीं है ना। आज वादी कश्मीर में जो अमन है, खुशहाली है, भाईचारा है, आज लाल चौक कितना चहल पहल और कितना खुशनुमा माहौल है। चलिए रैना जी, आपकी सारी बातें मानी, लेकिन कैंडिडेट क्यों नहीं है? कैंडिडेट कहाँ है, गायब क्यों है बीजेपी, भाग क्यों गई बीजेपी? चलिए, बीजेपी इसमें कोई दो राय नहीं है कि खुद हम यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि जिसके सर पर बीजेपी का हाथ होगा, तो किसके सर पे उसकी हाथ? जीत होगी। किसके सर पे हाथ है? अब तो ओपनली बता दीजिए, सारी पार्टियां एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, इंडिया अलायंस में एनसी कांग्रेस है, अपनी पार्टी और पीसी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, तो बीजेपी खुल के क्यों नहीं बताती कि मैं किसको सपोर्ट कर रही है? अपने तमाम वर्कर्स से मेरी मुलाकात कर रहा हूँ, मैं नॉर्थ कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा और
बांडीपुरा के वर्करों से मिला हूं, उसके बाद मैं जिला श्रीनगर, बड़गाम और गांधरबल के जितने बीजेपी के लीडर्स हैं उनसे मुलाकात मैंने की है। वहीं अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान और रजौरी पुंछ के तमाम वर्करों से मैंने मुलाकात की है। जल्द इसका ऐलान कर देंगे और यकीन रखिएगा कि जिसके सर पर बीजेपी का हाथ होगा जीत वहीं से शुरू होगी। तो आप किसी ना किसी को सपोर्ट कर रहे हैं? यकीनन तो कर रहे हैं। ये लोग यहाँ ए टीम बी टीम कहते हैं, उन्हीं में से कोई है? कोई ए टीम बी टीम सी टीम नहीं होती है। अच्छा, जिसको जो तकरीर में सूट करता है वो तो वही बोलता। दोस्ती किसके साथ ज्यादा है? दोस्ती मेरी सबके साथ है। मेरी उमर साहब के साथ दोस्ती है, मेरी सजाद कनी लोन साहब के साथ दोस्ती है, मेरी बुखारी साहब के साथ दोस्ती है, मेरी। लेकिन उमर साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे ना? देखिए, आपने दोस्ती पूछा। हाँ, सपोर्ट किसे कर रहे हैं अब ये भी बता दीजिए, हिंट दे दीजिए। चलिए, नहीं वो हिंट कैसे दे दूं, जो मेरे वर्कर्स बोलेंगे मुझे वही करना है, जो पार्टी के वर्कर बोलेंगे मुझे वही। चलिए, आप कहते हैं, मैं आपके काम की बात पे फिर से आता हूँ। आपकी कॉन्स्टिटेंसी है नौशेरा, आपने वहां काम किया, रजौरी में काम किया, फिर आपने कहा कि हमने जी पहाड़ियों को उनका नहीं, हमने पुंछ में किया, हमने अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान में किया। लेकिन आपकी कॉन्स्टिटेंसी बनती थी, आप कहते हैं आपने काम किया, इतना सारे काम करने के बाद किसके हवाले सौंप रहे हैं उनको, अकेला क्यों छोड़ दिया? अकेला नहीं छोड़ा है हमने, आप यकीन मानिए। हम तो उम्मीद कर रहे थे रविंदर रैना इलेक्शन लड़ेंगे, एमपी बनेंगे अपने लोगों के लिए, अपनी कॉन्स्टिटेंसी से। आप तो अपना वोट भी बीजेपी को नहीं दे सकते। कभी कभी पार्टी के जो सीनियर जो लीडरशिप होती है, इस किस्म के फैसले होते हैं। सियासत है, सियासत में इस किस्म के फैसले लिए जाते हैं, ये पहली मर्तबा नहीं है। बहुत सारी स्टेट्स है, महाराष्ट्र है, बिहार है और बंगाल है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, अलग अलग स्टेट्स में कभी कभी कोलिशन पार्टनर्स के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा जाता है। तो यहां तो और पहली मर्तबा है? पहली मर्तबा हम इस कोलिशन कश्मीर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस कोशिश में हैं कि हम कोलिशन के अंदर कश्मीर से इलेक्शन लड़े, कश्मीर की आवाम को एतमाद में लेंगे। हमें कश्मीर की आवाम से मोहब्बत है। लोग वोट जीतने की सियासत करते हैं, रविंदर रैना दिल जीतने की सियासत करता है। रविंदर रैना लोगों का, आवाम का खिदमतदार है, खिदमतदार। केवल मेंबर पार्लियामेंट बनकर या चीफ मिनिस्टर बनकर या कोई मिनिस्टर बनकर ही आवाम की खिदमत थोड़ी हो सकती है जनाब। लेकिन इलेक्शन का प्रोसेस इसीलिए होता है कि इलेक्शन में नुमाइंदे लोग चुनते हैं, फिर वो उनकी बात रखते हैं। आप तो इलेक्शन के प्रोसेस से भाग गए। हम नहीं भागे हैं जनाब, है नहीं आप फील्ड। हम अपने इलेक्शन के सिंबल पर चाहे नहीं लड़ रहे, अलबत्ता हम लाइक माइंडेड ग्रुप्स, लाइक माइंडेड कैंडिडेट्स, उनके साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि एक हम अपना ग्रुप या तैयार करें और उसके बाद हमारा ग्रुप इलेक्शन लड़े। हमारा जो कैंडिडेट होगा, जो कंसेंसस कैंडिडेट हो सकता है, श्रीनगर पार्लिमानी सीट में हमारा अलग स्ट्रेटेजी हो, अनंतनाग, रजौरी, पुंछ की अलग स्ट्रेटेजी हो, नॉर्थ कश्मीर, बारामूला की अलग स्ट्रेटेजी हो, हम उस शख्स की मदद करेंगे जो खिदमत खलक का जज्बा रखता हो, जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करता हो, जो गरीब, मस्कीन, ज़ईफ़ों और बेसहारा लोगों, यतीमों का खादिम हो, जो खिदमतदार हो, हुब्बुल वतनी से ऐसे शख्स की मदद करेंगे और जिसको मदद करेंगे उसको वो जीतेगा पक्का। आज बीजेपी कश्मीर के अंदर इन तीन पार्लियामेंट सीटों पर किंग मेकर की पोजीशन में है। अच्छा, ये मान के चलिए कश्मीर की जो तीनों को तीन पार्लियामेंट सीट है, अनंतनाग, रजौरी, पुंछ, तो कल को बारामूला और श्रीनगर, कल को बीजेपी किंग मेकर की पोजीशन में है। जिसके साथ बीजेपी चलेगी वही एमपी बनेगा। कल को जब भी रिजल्ट आएंगे, जो भी विनिंग कैंडिडेट होगा, क्या हम तब ये समझेंगे कि बीजेपी ने इसे जिताया, चाहे वो किसी भी पार्टी का? नहीं, रिजल्ट से पहले ही आपको पता चल जाएगा। अच्छा, रिजल्ट से पहले आपको बीजेपी का मौकिफ पता चल जाएगा। और मैं ये इसलिए यकीन के साथ कहता हूं कि बीजेपी ने जो काम किए हैं, जो मोदी साहब ने गरीबों की खिदमत की है, गरीब लोग जिनके सर के ऊपर छत नहीं होता था उनको मकान बना के मोदी साहब ने दिया। चलिए, मतलब कुछ गरीबों को फ्री राशन दिया, गरीब काश्तकार किसानों के खाते में 6,000 मोदी साहब देता है, लाडली बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, ये मोदी साहब की है। आज डेवलपमेंट देखो, और सबसे बड़ी बात आज वादी कश्मीर में जो अमन है, खुशहाली है, भाईचारा है, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई संगबाज नहीं,
कोई बम बंदूक पिस्तौल गोलियों और ग्रेनेडों का शोर नहीं, लेकिन नौकरियां भी अमन नहीं है, अमन नौकरियां भी खुशहाली, नौकरियां भी नहीं है, नौकरियां भी नहीं है सर, नौकरियां भी है। मैं कहता हूं पूरे मुल्क का डाटा निकालो, सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ, सबने गलत डाटा, सबसे ज्यादा डाटा है जनाब। फिर एग्जाम देते हैं तो वो कंपनी आती है जो ब्लैक लिस्टेड होती है, उनके ऊपर सीबीआई की रेड्स हुई हैं, सीबीआई ने उसके ऊपर छापे लगाए। कंपनी आई क्यों? एक जमाना होता था, टोल प्लाजा हमारे, एक जमाना होता था जनाब, जब पुरानी माजी की हुकूमतों में करप्शन और भ्रष्टाचार होता था, और आज करप्शन खाने वाले जो चोर लुटेरे हैं वो जेल की सलाखों के पीछे बंद होते हैं। लेकिन बीजेपी में अगर बीजेपी में आते हैं तो वहां वो साफ हो जाता है, सवाल पैदा नहीं होता। कितने सारी मिसालें हैं जो जो करप्शन खाएगा, जो गरीब का हक खाएगा वो जेल में जाएगा। चलिए ये बात नहीं करते, अभी इलेक्शन की बात करते हैं। इलेक्शन में अब आपने कह दिया कि कुछ दिन में फैसला आ जाएगा कि आप किसके साथ हैं, आपके वर्कर जो बोलेंगे आप उसके साथ हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये बात बता दीजिए, अनंतनाग रजौरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां इलेक्शन को डिले क्यों किया गया, पोस्टपोन क्यों? देखिए पोस्टपोन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। आप कहा जाता है बीजेपी है नहीं, नहीं नहीं बीजेपी रेस में नहीं है, तो बीजेपी क्यों जाके बोलती है इलेक्शन कमीशन को कि डिले कीजिए? बीजेपी के लोग तो हैं, बीजेपी के वोटर तो हैं, बीजेपी का कैडर तो है, बीजेपी के लोग हैं। वोट किसको देगा बीजेपी का कैडर, वो भी तो नहीं बता। यकीनन आपको बताएंगे, कश्मीर लाइफ के ऊपर चलेगा। क्या ये आपको अभी तक मालूम नहीं था हमें सपोर्ट किसको करना है इसलिए डिले करना? बीजेपी में कलेक्टिव लीडरशिप होती है, बीजेपी में जितने हमारे वर्कर्स हैं उनको एतमाद में लेके फैसले किए जाते हैं, बीजेपी के अंदर एक बंद कमरे में फैसले नहीं लिए जाते हैं। अपने तमाम वर्करों से बैठ के हम फैसला करेंगे, जो हमारे वर्कर जिसको चुनेंगे, अगर जो हमारे वर्कर फैसला करेंगे, आप यकीन मानिए जो वर्कर हमारा फैसला करेगा वही अगर पुरानी होगा और उसकी जीत हो जाएगी। पहले तो 7 तारीख डेट थी, तो 2 दिन बाद इलेक्शन थे, आज से 2 दिन बाद इलेक्शन होने थे, अभी तक आपका कोई फैसला नहीं है। क्या यह वजह है कि इलेक्शन को पोस्टपोन करवाया गया कि बीजेपी फैसला नहीं ले पा रही इसको सपोर्ट करना? अनंतनाग रजौरी पुनिच का जो इलेक्शन रीशेड्यूल हुआ है वो इलेक्शन कमीशन ने किया है। अनंतनाग कुलगाम शोपियान को रजौरी पुंछ से जोड़ने वाला एक ही सड़क का रास्ता है, बाया मुगल रोड। आजा पीर की गली से चंदीमढ़ बफलिया सुरनकोट की ओर जाइए, या पीर की गली से शोपियान की ओर आइए, 20-20 फीट सड़क बर्फ से गिरा हुआ। उसमें महबूबा जी कहती है मैं तो उसी सड़क से गई गई, लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा जो मेरी बड़ी बहन है, मैं इज्जत करता हूँ, वो गई इसी रास्ते से लेकिन आई वापस इस रास्ते से नहीं है। उनको जम्मू के रास्ते फ्लाइट पकड़ के आना पड़ा क्योंकि रास्ता बंद हो गया, बर्फबारी हो गई जरा। ये सारी चीजें तो डिलिमिटेशन के वक्त पे देखनी चाहिए थी ना, कि एक सड़क है जो भी खस्ता हालत में है, तो फिर क्यों जोड़ दी है कॉन्स्टिट्यूएंसी बाद में इस चक्कर में? नहीं जनाब, रजौरी पुंछ भी हमारी रियासत का हिस्सा है, है, और रजौरी पुंछ अगर यहाँ जुड़ा है तो अच्छी बात है। रजौरी पुंछ के अंदर देखिएगा आप कि जो इस समय सरगर्मी इलेक्शन की सबसे ज्यादा अगर किसी खित्ते में है वो रजौरी पुंछ है। आज फारूक अब्दुल्ला साहब भी रजौरी पुंछ में है, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा भी रजौरी पुंछ में है, आज बुखारी साहब के कैंडिडेट भी रजौरी पुंछ में है। सबसे ज्यादा गहमा गहमी 2024 के लोकसभा की इलेक्शन की अनंतनाग रजौरी सीट पर रजौरी पुंछ में, बिल्कुल है, बिल्कुल है, और मान के चलिएगा कि 80% वहां वोटिंग होगी, 80% उसमें भी वहां कहीं देखा हमने कि धमकाया जाता है पहाड़ियों को, नहीं नहीं 47 जैसी सिचुएशन हो जाएगी, 47 वाली हालत हो जाएगी। पहले तो आपने, मेरी बात पहले तो आपने पहाड़ियों को गुजरों के पीछे लगा दिया, नहीं नहीं गुजर बरादरी को पहाड़ियों के पीछे लगा दिया, ये गलत बात है जनाब। जब मोदी हुकूमत आई 2014 में पहला फैसला लिया गया, गुजर बकरवाल कबीले को उसके हकूक दिए गए, फॉरेस्ट लैंड राइट एक्ट दिए गए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई, एसटी के अंदर बेशुमार फंड्स दिए गए, गुजर बकरवाल की रजौरी पुंछ और डोडा किश्तवाड़ से भेड़ बकरी माल मवेशी गर्मियों में वादी कश्मीर में आ जाता है उसके लिए गाड़ियां लगाई गई, और सर्दी होते ही कश्मीर घाटी से रजौरी पुंछ और जम्मू की ओर सांबा कठुआ और डोडा किश्तवाड़ गाड़ियों में माल मवेशी गुजर बकरवाल के जाते हैं। बीजेपी ने किया है, गुजर बकरवाल के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश 2009 में की गई थी जब इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन करके गुजर बकरवाल के भी लेके बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी गई थी, वो काला कानून मोदी जी ने खत्म किया और गुजर बकरवाल कबीले के साथ इंसाफ किया। हमने गुजर बकरवाल कबीले को उसके हकूक दिए, क्यों? कि वो उनका हक था। उसके बाद हमने पहाड़ी कबीला जो पिछले 70 साल से
जदोजहद कर रहा है। जो उड़ी, करना, कपवाड़ा, टंडार, टीठवाल, मच्छल, केरन से लेके अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान जिलों के अंदर है, रजौरी में है, पुंछ में बसता है, 70 साल जंग लड़ी पहाड़ी कबीले ने, एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने पहाड़ियों के साथ इस्तेमाल किया, जुल्म और सितम किया। लेकिन आज मोदी हुकूमत आई, उन्हीं पहाड़ियों को धमकाया जा रहा है। मोदी मोदी मोदी, क्या बात करते हो, वीडियो वायरल हो गया। नहीं जनाब, आज 70 साल के बाद अगर पहाड़ी कबीले को किसी ने हक और इंसाफ दिया है वो बीजेपी है, वो मोदी हुकूमत है, वो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं। उसके बाद जो पसमांदा मुसलमान हैं, हजाम हैं, तरखान हैं, लोहार हैं, चौपान हैं, मरकबांस हैं, जो जाट कम्युनिटी के हैं, जो हांजी हैं, तेली हैं, जो नाई हैं, मोची हैं, जो मरकबांस हैं, जरगर हैं, प्रजापति हैं, ऐसे 42 सब कास्ट्स जिनको ओबीसी के दायरे में बीजेपी ने लाया। पूरे मुल्क में ओबीसी को जो रिजर्वेशन का कोटा था उनको फैसिलिटीज थी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने ओबीसी तबका जात के साथ जुल्म और सितम किया। आज मोदी साहब ने इन पसमांदा जो ओबीसी कम्युनिटी की जो सब कास्ट है उनको हकूक दे के जस्टिस किया। लेकिन सेंटर हमने, तो कहती है कि मुसलमानों की 4% रिजर्वेशन भी खत्म कर देंगे, ऐसा मत वो भी ओबीसी को दे देंगे। अरे नाउस बिल्ला, ऐसा मत बोलो, वो बोलते नहीं, बोलो मेरे भाई, बोल रहे आपके लीडर कान में हाथ लगा के नाउस बिल्ला, आपके लीडर बोल रहे बीजेपी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन वो विश्वास ही तो नहीं रहा है। हम करता है ना जनाब, आप करते हैं, कहाँ है फिर हम है ना बीजेपी यहाँ। लेकिन 4% बोल रहे ले जाएंगे मुसलमानों का। देखो हमने मुसलमान पहाड़ी कबीले में कौन है, 80% मुसलमान है। हाँ। गुजर बकरवाल में कौन है, 100% मुसलमान है। ओबीसी में कौन है, 80% मुसलमान है। आज वादी कश्मीर में अमन आया है। आज वादी कश्मीर की रात के 2 बजे तक जब 31 दिसंबर को नए साल के वेलकम के लिए जश्न होता है, वो कश्मीरी मुसलमान नौजवान है। लेकिन वो रिजर्वेशन और इसका और रिजर्वेशन को आप क्यों इतना अफलातून बनाते हो? कोई नहीं छेड़ेगा, कोई नहीं। ये हिंदुस्तान का आईन है, हिंदुस्तान कानून के बराबर चलता है, कानून से चलता है, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं चलता है जनाब। इसलिए आज अगर लाल चौक में खुशहाली है, आपका कश्मीर लाइफ का भी दफ्तर वहां है जनाब। एक दौर था जब आप भी गाड़ी लेके रिपोर्टिंग के लिए निकलता था तो पत्थर चलता था, आप भी पत्थर की खबर चलाता था जनाब, आप भी बम, बंदूक, पिस्तौल, गोली और ग्रेनेड की खबर चलाता था, क्योंकि उस जमाने में यही था। आज अमन है, खुशहाली है, 2 करोड़ आज टूरिस्ट यहां आता है, आज G20 का सम्मेलन होता है, आज डल झील की खूबसूरती है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी है, रिंग रोड्स है, एम्स हॉस्पिटल है, गांव गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल है। श्रीनगर से बारामूला नेशनल हाईवे, श्रीनगर से कुपवाड़ा तक देखिए, जम्मू से श्रीनगर का रोड देखिए जो बंद रहता है, जो जनाब जो टनल्स बन रहे हैं ना, 20 से ऊपर तो टनल है जनाब श्रीनगर में, 4 घंटे से बाई रोड ऐसे टूट जाती है, 4 घंटे लोग 10 के मर जाते हैं। नहीं जनाब, अरे सर 4 घंटे में स्मार्ट सिटी हमने देखा, 2 दिन बारिश हुई तो क्या हुआ जनाब, 4 घंटे में श्रीनगर से जम्मू। चलिए बाई रोड आप पहुंचे, डेवलपमेंट पे आपसे बाद में बात करते हैं। उमर साहब ने इस बीच में कहा कि मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं कि वो अपनी 3 इनकॉन्स्टेंसीज में 3 कैंडिडेट्स फील्ड करे और अगर उनकी जमानत जब्त नहीं हुई तो मैं सियासत छोड़ दूं। ये मुझे अफसोस रह गया कि मेरे मोहतरम दोस्त उमर अब्दुल्ला साहब ने एक चैलेंज मुझे दिया था और आप वो पूरा नहीं कर पाए, ये मुझे अफसोस रह गया। ये मेरे दिल में एक कसक रहेगी कि उमर साहब ने मुझे चैलेंज दिया था और मैं उस चैलेंज के लिए तैयार था, और उमर साहब ने बहुत बड़ी बात की थी, बहुत बड़ी मैं बात की ये थी। कहता हूं गलती कर दी थी उमर साहब ने, जबरदस्त गलती कर दी थी। मैं आपको बोलूं, मैं पूरे यकीन से कहता हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी सबके साथ दोस्ती है, लेकिन वो ऐसा बयान देके उमर साहब ने गलती कर दी थी। बीजेपी अनंतनाग, रजौरी, पुंछ की सीट 100% हमने जीतनी थी, क्योंकि बीजेपी का जबरदस्त कारवां और काफिला
अनंतनाग रजौरी पुंछ में बन चुका था, आज भी है। आज भी बिजबिहाड़ा श्री गुफवारा, आज भी कुकरनाग, शांगस, अनंतनाग ईस्ट, अनंतनाग मेन, अनंतनाग वेस्ट, कुकरनाग, डोरू, देवसर, कुलगाम, दमाल, हांजीपुरा, नूराबाद, जैनपुरा, या फिर जो रजौरी पुंछ में नौशहरा, दरहाल, बुद्धल, रजौरी, थन्ना मंडी, मंजाकोट, सुरनकोट, मेंढर, पुनच, मंडी, लोरन, सब्जियां, इन तमाम एरियाज में एक ही आवाज है, बीजेपी। आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं, आज भी लोग साउथ कश्मीर के हों, रजौरी पुंछ के हों, इंतजार कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूं, पूरे वसूख के साथ कहता हूं कि अनंतनाग रजौरी पुंछ के लोगों ने मन बना लिया था 100%। जिस जगह मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब, मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मोहतरमा मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जाते हैं, वहां रविंद्र रैना घोड़े में बैठ के जाता था। लेकिन फिर भी लोग अकेले छोड़ दिए ना सर, बात तो वही मैं है। लोगों का खादिम बात तो वही है जनाब, बात तो वही है ना। अगर आपसे पहले आपसे लोगों की उम्मीद सुनिए, आप तो उनकी उम्मीदें तोड़ रहे हैं। मैं अपने लोगों का खादिम हूं, जो प्यार, जो इज्जत, जो सपोर्ट मुझे अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान से मिला, जो रजौरी और पुंछ से मुझे सपोर्ट मिला, जो मेरे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन, कश्मीरी पंडित भाई बहन, गोजर, बकरवाल और पहाड़ी कबीले ने जो मुझे यहाँ सपोर्ट किया, मैं उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। जो मोहब्बत, जो प्यार और जो सपोर्ट लोगों ने किया, पूरी दुनिया ने देखा कि रविंद्र रैना जब वादी कश्मीर में आता है तो एक जनसैलाब उमड़ के आता है। और फिर साउथ कश्मीर और अनंतनाग रजौरी की तो बात ही क्या है। मैं अपने लोगों का शुक्रगुजार हूँ, मैं अवाम का खादिम हूँ। रविंद्र रैना जब मेंबर पार्लियामेंट नहीं भी था तो भी अवाम का खादिम था, खिदमतदार था। रविंद्र रैना मेंबर पार्लियामेंट नहीं भी होगा, अवाम का खादिम है। क्या फर्क पड़ता है, मेंबर पार्लियामेंट कोई भी होगा, लेकिन अवाम का खादिम रविंद्र रैना होगा। मैं आपके चैनल कश्मीर लाइफ, जिसको न केवल वादी कश्मीर बल्कि पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देखती है, मैं आपके चैनल के जरिए अपनी आवाम से वादा करता हूं, मैं पहले भी आपका खादिम था, आज भी आपका खादिम हूं, और जिंदगी की आखिरी सांस तक आवाम का खादिम बनकर, खिदमतदार बनकर काम करूंगा। जरूरी नहीं है कि कोई मेंबर पार्लियामेंट बनकर या मिनिस्टर बनकर या चीफ मिनिस्टर बनकर आवाम की खिदमत कर सकता है। आपके दिल में खिदमत खलक का जज्बा होना चाहिए, आपके दिल में हब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए, बस फिर क्या रहना जी कश्मीर से। और आपके दिल में गरीब से मोहब्बत होनी चाहिए, दिल से। आपके दिल में यतीमों, बेसहारा लोगों के लिए खिदमत का जज्बा होना चाहिए, आपके दिल में खिदमत खलक का जज्बा जब होगा, ऊपर वाला आप पर रहमत करेगा और आप ईमानदारी से काम करेंगे, तभी तो लोग मोहब्बत करते हैं जनाब। यहां सियासतदान निकले हैं वोट जीतने, रविंद्र रैना निकला है दिल जीतने, क्योंकि रविंद्र रैना लोगों का खादिम है, रविंद्र रैना खादिम है। चलिए मान लिया आपने कश्मीर का, तो आपने बता दिया कि कुछ वक्त में हमें सुनने को मिलेगा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, खुद तो फील्ड में नहीं आएंगे, इतना क्लियर हो गया। आज नहीं तो कल आएंगे जनाब, अभी फिलहाल तो कमल का फूल खिलेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी फिलहाल तो पार्लियामेंट में तो चलो कुछ स्ट्रेटेजी सर छह में बनाई गई, लेकिन है ही नहीं, लेकिन असेंबली में देखना, देखना ये कमल का फूल जो यहाँ डल झील में खिलता है, वो वादी कश्मीर के लोगों में दिल दिल में खिल चुका है। चलिए कमल का फूल वादी कश्मीर के हर शख्स के दिल में, असेंबली के वक्त पे देखेंगे, फिलहाल तो आप यहाँ नहीं है। लद्दाख में क्या हुआ, 370 हटने के बाद लद्दाख का जो एमपी था आपका, वो सबसे ज्यादा खुश था, लद्दाख में चहल पहल देखने को मिलती थी, पोस्टर बॉय बना हुआ, आज भी खुश है, पोस्टर बॉय बना हुआ था, और अचानक से वो पार्टी का कैंपेन कर रहा था आसाम में, यहाँ बता दिया गया उसको कि तुम हो ही नहीं, कौन कैंडिडेट होगा कौन नहीं होगा इससे फर्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं कि हम फैसला सबके साथ मिलके करते हैं, उसे तो पता भी नहीं था। हो सकता है कि वहाँ के जो पार्टी का काडर है, वहाँ के जो हमारे सीनियर लीडर है करगिल के ले के, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान है, जो बाकी तमाम पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, हो सकता है उन्होंने मिल बैठ के फैसला किया होगा। जामयांग साहब एक बहुत ही तेज तरार नौजवान है, उसने अच्छा काम किया है, मैं
उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, अच्छा नौजवान है। मैंने ही उसको जम्मू यूनिवर्सिटी के जो है हॉस्टल से पकड़ के सियासत में लाया था, मैंने ही उसको सियासत में उंगली पकड़ के आगे उसको लाया है, अच्छा नौजवान है। यही बात और कहानी यहाँ खत्म थोड़ी होती है, यही बात यहाँ कहानी खत्म। आप कहते हैं कि कार्डर है, सब मिलके फैसला लेते हैं, लेकिन उस शख्स को तो पता ही नहीं था। आज तो जामयांग साहब देखो ना, वो बीजेपी का झंडा लेके चल रहा है, आज चल रहे हैं, लेकिन यही तो बीजेपी है। अब रात में ऐसा क्या, अब रात में ऐसा क्या हुआ वो तो हमें नहीं पता। और किसी जमात का अगर कोई ऐसा एमपी या लीडर होता तो वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन भरा होता या उसने दूसरी जमात का दामन थामा होता। इससे पहले बीजेपी है कि जामयांग साहब आज भी बीजेपी का झंडा लेके। तो ऐसी क्या वजह थी, एक शख्स है जो इलेक्शन जीतता है, एक शख्स है जो बीजेपी को रिप्रेजेंट करता है लद्दाख से, उससे 5 साल सक्सेसफुल टर्म गुजारी, लेकिन आपने उससे मैंडेट ही ले लिया। देखिए ये पार्टी का इंटरनल मामला होता है, पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप से चलती है, वहां के वर्कर्स मिलकर फैसला करते हैं और ये अक्सर इस किस्म के फैसले होते रहते हैं। आपने मेरा एग्जाम्पल लिया कि अनंतनाग रजौरी से आपको लगता था कि रविंदर रैना आएगा, बिल्कुल लगता, रविंदर रैना नहीं आया, लेकिन कोई भी नहीं आया। रविंदर रैना पार्टी के लिए काम तो कर रहा है ना। आपने देखा कि नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो सैलाब की जद में उस तूफान में लोग मुतासर हो गए, हम भी वहां पहुंचे, गांव गांव में गए, लोगों से मिले, लोगों की मदद के लिए हमने एलजी साहब से बात की और उम्मीद करते हैं कि लोगों की मदद होगी। ये कारगिल और लद्दाख का क्या डिवाइड है अभी तक, वो पहली बार हमने देखा था कि वो लोग साथ जुड़ गए थे, लेकिन फिर से ऐसा क्या? देखिए लोग कहते हैं कि जो अभी वहां फूट पड़ी है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने। देखिए कारगिल हो, द्रास हो, लेह हो, नुब्रा हो, लेकिन कारगिल और लेह पहली बार हमें साथ दिखे थे। तुर्तुक हो, बटालिक हो, या फिर आपका जो शम्मा का एरिया है, खलसी का एरिया है वो हो, जंस्कार हो, या ईस्टर्न लद्दाख का जो एरिया है देमचोक तक का हो एरिया है, और वहाँ कयूल है, हेनले का एरिया है, इन तमाम एरिए में आज लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज डेवलपमेंट बीजेपी की देन है, यकीनन वहाँ के लोग बीजेपी से मोहब्बत करते हैं, करगिल के लोग हों, द्रास के लोग हों, जंस्कार के लोग हों, तुर्तुक के हों, बटालिक के हों, आर्यन वैली के हों, ले के हों, हर जगह से बीजेपी को सपोर्ट आएगा, न्योमा से हो, ल्योमा से। लेकिन ये जो फूट देख हर जगह बीजेपी करगिल और लेह के बीच बीजेपी जोड़ने का काम करती है। लेकिन ये लोग अभी कह रहे हैं कि ये डिवाइड भी ये बीजेपी प्यार मोहब्बत से काम करती है। जोजिला टनल 70 साल लगे जनाब, लेकिन तब बना जब बीजेपी ने हुकूमत संभाली मरकज में। हम सबके लिए है, ले भी हमारा, करगिल भी हमारा, कश्मीर भी हमारा, जम्मू भी हमारा, पूरा मुल्क हमारा, हिंदू भी हमारा, मुसलमान भी हमारा, सिख भी हमारा, कश्मीरी भी हमारा, गुजर भी हमारा, पहाड़ी भी हमारा। तो अभी आखिर में इतना पूछता हूँ कि क्या कोई उम्मीद है कि बीजेपी का अपना कोई कैंडिडेट आएगा इन 3 सीट्स में? अभी तो नहीं है, अभी तो पार्टी ने फैसला किया है। हाँ? कि कश्मीर की जो 3 सीटें हैं, हाँ? इस पर अपने वर्कर्स से मुलाकात करके हम फैसला ले लेंगे। हमारे वर्कर्स फॉर्म जिसके सपोर्ट के लिए कहेंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे। फॉर्म भरने की आखिरी डेट तो चली गई, तो मतलब बीजेपी का कोई कैंडिडेट तो नहीं हो सकता है। देखिए मैं पिछले 7 साल से पार्टी प्रेसिडेंट हूं, पार्टी ने मुझे आवाम की खिदमत के लिए, पार्टी की खिदमत के लिए बहुत लंबा टेन्योर बतौर पार्टी प्रेसिडेंट दिया है। मेरी तो पर्सनल ख्वाहिश थी कि मैं अपनी प्रेसिडेंटशिप में यहाँ कमल का फूल खिलाऊं। हालांकि मैंने बलदियाती इलेक्शन जो शहरी इलेक्शन, यहाँ कमल के फूल पर बीजेपी के कैंडिडेट जीते, बीडीसी में जीते, डीडीसी में 3 सीट्स पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से, श्रीनगर से और बांडीपुरा से बीजेपी जीती। कमल का फूल तो खिला, लेकिन मैं चाहता था कि पार्लियामेंट में भी कमल का फूल खिले। अलबत्ता जो मेहनत हमने की है, जो पार्टी का जबरदस्त वर्कर और काडर आज यहाँ खड़ा हुआ है, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आने वाले सालों में वादी कश्मीर में कमल का फूल खिलेगा। फिलहाल हम डल झील में कमल का फूल पहले ही खिलता है, सियासी कमल का फूल वादी कश्मीर की आवाम के दिलों में है। ये जो दिल में कश्मीरियों के कमल का फूल है, फिलहाल हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप कुछ वक्त में ऐलान करेंगे कि आप इन 3 सीट्स पे किसे सपोर्ट करेंगे। यकीनन मैं अलग अलग पार्लियामेंट सीट के अलग अलग वर्कर से मुलाकात कर रहा हूँ, जल्द इस पर हम फैसला ले लेंगे। बीजेपी
पार्लियामेंट सीट पर अपना किंग यहां कश्मीर में चाहे ही ना बना पाए, लेकिन किंग मेकर बीजेपी ही बनाएगी, किंग मेकर बीजेपी की सपोर्ट से बनेगा, ये मैं आपको यकीन से कहता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे रविंदर रैना, बीजेपी प्रेसिडेंट, और जिन्होंने कहा कि कुछ वक्त में ही ये पता चल जाएगा कि कश्मीर की 3 सीट्स पे ये किन्हें सपोर्ट करेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए।